इस पर कुछ चेंजिंग शायद हुआ है। डिपार्चर कार्ड यहाँ फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मिला, भरा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुझे 30 दिन का वीज़ा मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीज़ा अराइवल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। दोस्तों अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज मुझे बैंकॉक जाना है, बहुत लेट हो गया है और बस में बैठ गया हूँ। देखता हूँ लगभग 1 घंटा लगेगा, मेरी फ़्लाइट है 2 बजे की, 2 बजे से पहले 1:45 की है और मुझे लगता है पहुँच नहीं पाऊँगा, छूट जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एयरपोर्ट पे पहुँच कर ही बात करेंगे। तो दोस्तों बोर्डिंग पास मुझे मिल गई है, अब मैं थाईलैंड के लिए जा रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, देखता हूँ, अभी तो इमिग्रेशन बाकी है। इमिग्रेशन के बाद अब थाईलैंड पे लैंड करने के बाद पहुँचूँगा और मेरे पास अभी बात भी नहीं है, डमी टिकट भी है, वही चीज़ें सारी किया हूँ जल्दी जल्दी में। 3,500 बात मेरे पास होंगे। चलते हैं इमिग्रेशन पे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों फाइनली मुझे एंट्री मिल गई है, बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया, इमिग्रेशन हो गया। अब गेट नंबर 18 पे जाना है, इसके बाद सीधा बैंकॉक में। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ यहाँ पे इमिग्रेशन में या फिर सिक्योरिटी कहीं पर भी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। और वही जो है बात नहीं है मेरे पास, जाएंगे सीधे बैंकॉक में, इसके बाद ये पता चलेगा आपको। तो अभी रखते हैं, बहुत थक गया हूँ भाई, मुझे लगा कि फ्लाइट मेरी छूट जाएगी बट नहीं छूटा। फाइनली मैं आ गया हूँ अपने गेट नंबर 18 पे और होचिमिन से मैंने फ़्लाइट बुक किया था बैंकॉक के लिए। मुझे तकरीबन 3,500 रुपये पड़ा है। मैं चाहता तो इंडिया जा सकता था सोचा, लेकिन इसी एक ट्रिप में दोनों कंट्री में कवर कर लेता हूँ और मेरे पास स्टोरेज ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कम कम वीडियो बना रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अब बैंकॉक जाने के लिए आपको थाई बात होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं 10,000 थाई बात कम से कम होना चाहिए, मुझे नहीं पता है। मेरे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी इंटरनेशनल वाला, ये कोई नहीं बताता। इंटरनेशनल आप पोर्टल पे जाएंगे कोविन के, वहाँ पे आप अपने पासपोर्ट को लिंक कर सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा और वीज़ा एन अराइवल आपको वहाँ मिलेगा। और क्या कहते हैं, आप कोई अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। वैसे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है थाईलैंड और वियतनाम में, बट आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल रखा है। वियतनाम के लिए आप वीज़ा ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ई वीज़ा आपको मिल जाएगा, वो भी 3 दिन के अंदर मुझे मिल गया था और कुछ मिस्टेक भी था, फिर भी मैं रिस्क लेके चलाया। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो जाके देख लीजिए। यहाँ आने के लिए आपको कोई भी RT-PCR वगैरह टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाहिए वीज़ा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग, दैट्स इट। इमिग्रेशन पे मुझे कोई क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं किया, इंडिया में किया था, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा घूमने, अकेले कौन जाता है भाई, हम कहें मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ सर, ऐसे बोला, गुड गुड लक, ठप्पा लगाया चला गया। यहाँ पे आया, वो जो मेरी पासपोर्ट वाली प्रॉब्लम थी वो वहाँ पे मतलब 2,000 रुपया देना पड़ा, इसके बाद ठीक हो गया। 2,000 नहीं, 1,600 $20 मैंने दिया था, तो वो गया। इसके बाद अब यहाँ से वियतनाम से बैंकॉक जा रहा हूँ। अब बैंकॉक पहुँचने के बाद यहाँ पे मुझे इमिग्रेशन पे एक भी क्वेश्चन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, सीधा ठप्पा लगाया जाओ। अब सीधा जाएंगे बैंकॉक में, वहाँ क्या होता है एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो भाई एंट्री मिल चुकी है, अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। Thank you. Hello. Thank you very much. ABC on your right hand side, here from your left hand side. Sadiha, welcome on board. Hello. Hello. गाइस फ्लाइट में आ गया हूँ, इकलौता हूँ जो इंडियन इसमें बैठा हूँ, बाकी सब इधर के हैं उधर के हैं।
अभी हम बैंकॉक में जब पहुंच जाएंगे इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। बात भी नहीं है मेरे पास। चलिए मिलते हैं एयरपोर्ट पे। इसमें कुछ चेंजिंग शायद हुआ है। डिपार्चर कार्ड यहाँ फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मिला, भरा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुझे 30 दिन का वीज़ा मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। 4 अक्टूबर को मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे 2 नवंबर तक का ये वीज़ा 30 दिन का टोटल मिला है। 2200 बात मुझे लगा है मेरे पास। और क्या क्या चाहिए आपको, अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं, थाईलैंड आ रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या? एक्चुअली मैं वियतनाम से आया हूँ यहाँ पे, मेरे पास ना तो बात था, मेरे पास 3000 बात था। और मुझे पता था हो सकता है कि आपसे 3000 के बजाय 10000 बात आपको शो करना होगा, वो बड़े बड़े बोर्ड में इमिग्रेशन के सामने ही लिखा हुआ था। बट मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया, बस रिटर्न टिकट। और मैं आपको बता दूं, मैं डमी टिकट पे आया हूँ, डमी टिकट दोनों जगह शो कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता है मैं कितने दिन के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो यही था, आपके पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे वीज़ा अराइवल लेने से पहले जैसे मैं इमिग्रेशन ऑफिसर, मेरे पास कुछ भी नहीं मांगा, ना कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह, कुछ भी नहीं, सीधा रिटर्न टिकट, बोर्डिंग पास, बस ठप्पा लगाया जाओ, यही क्वेश्चन था। ओके, वेलकम टू थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, बाहर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं बाकी सारी बातें होगी वहीं पर। तो अभी हम एयरपोर्ट पर ही घूम रहे हैं, देखते हैं कोई भी मिलता है अगर बस वगैरह तो उसी से पकड़ के चले जाएंगे। और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ एयरपोर्ट का, बैंकॉक का। दिमाग ख़राब हो गया भाई साहब, थक गया हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, देखता हूँ क्या करना है। यहाँ से आना है खौजन रोड, खौजन रोड पे जाएंगे और बस से जाएंगे या कैसे जाएंगे मुझे कुछ नहीं पता है, अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले एक सिम कार्ड पूछते हैं, सिम कार्ड लेना है। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, 30 दिन का मुझे मिला है, 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल। आप भी पा सकते हैं, अब मेरे पीछे काफ़ी सारे सिम लगा हुआ है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। अभी मैं पूछूँगा कितने का है, तो जो भी रेट होगा, सिम लेना बहुत ज़रूरी है। 100 रुपया अगर ज़्यादा, 100-200 रुपये भी लेते हैं ना, तो ले लेना चाहिए। हाँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा ही बिना नेट के कहीं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। जब तक मेरे पास नेट है तब तक सब कुछ कर लूँगा। देखते हैं कितने का सिम है। सिम कार्ड 399। 1 week. फाइव जी इंटरनेट एंड 30 days, हाँ 599, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वाय 5G इंटरनेट, ओके तो सिम ले रहा हूँ भाई साहब, 8 दिन का 399 रुपये में, पासपोर्ट अपना देना है, बाद में बात करते हैं लेने। सिम ले लिया है क्योंकि बिना सिम के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और 399 बात का मुझे मिला है। महंगा तो है ही है, 399 बात, मतलब 800-900 रुपया, वो भी 8 दिन के लिए लिया हूँ। जो भी है, इधर उधर पैसा जाता ही है, सिम में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम मुझे काम में ही आएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 1 महीने का वीज़ा मिला भाई, 1 महीने का वीज़ा। अगर आप थाईलैंड इस समय आ रहे हैं अक्टूबर में, तो सिंपली आपको करना क्या है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेके बस निकल आओ, और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, सीधा यहाँ पे आ जाओ। मेरे से एक भी क्वेश्चन, कोई मतलब सिर्फ रिटर्न टिकट भी मुझसे नहीं पूछा, बोर्डिंग पास पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। बस मैंने कहा वियतनाम से, मैं वियतनाम से आ रहा हूँ, और मैंने वीज़ा ऑन अराइवल पे डमी टिकट दिखाया था, और
वियतनाम पे भी मैं डमी टिकट से ही गया था। डमी टिकट कैसे बनाते हैं वो भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अच्छी बात ये है कि थाईलैंड अब 30 दिन का वीज़ा दे रहा है, तो आना चाहे तो आ सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से खाउजन रोड पे जाऊँगा, वहाँ पे मेरा, यहाँ से देखता हूँ कोई बस मिलता है तो बस पकड़ लूँगा और सीधा हॉस्टल पे जाऊँगा, क्योंकि बहुत थक गया हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ खाऊँगा, यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानना है मुझे। तो फाइनली दोस्तों हॉस्टल पहुँच गया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह से मैं आया। बस में 60 बात मुझे लगा स्टेशन से, वहाँ पे यशवंत नाम का आपको बस मिल जाएगा, फुल एसी, आपको पता चल जाएगा हर जगह लिखा रहता है। तो अगर आप बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो गेट नंबर 8 पे आपको यशवंत मिल जाएगा खाउजन स्टेशन के लिए, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं, वो भी 30 दिनों का, अक्टूबर 4 तारीख है आज। तो चलिए कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे।